समस्तीपुर जिले के पटोरी प्रखंड के अंतर्गत जरपुरा पंचायत के जरपुरा गांव में लगभग 50 वर्षों से राजकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय जरपुरा, जो पटोरी से समस्तीपुर जाने वाली मुख्य सड़क के किनारे अवस्थित है। इस विद्यालय में चार दीवारी नहीं होने से अप्रिय घटना घटने की आशंका बनी रहती है। आइए मिलते हैं इस विद्यालय को शिक्षकों से और जानते हैं की समस्या के विषय में। मेरा नाम तपन कुमार दास है जी। आपके विद्यालय में सबसे बड़ी समस्या क्या है? विद्यालय में समस्या है जी, शिक्षक की कमी है और क्लास 8 है और जिसमें शिक्षक हम लोग मात्र 6 ही हैं। एक प्रतिनियोजित शिक्षिका है। दूसरी समस्या है मूल समस्या, जो मध्याह्न भोजन के लिए टिफिन जब हम लोग देते हैं और छुट्टी के समय बच्चों का चहरदीवारी नहीं होने के कारण रोड पर आना जाना होता है, जिसके कारण भय लगा रहता है कि कोई तरह का दुर्घटना न हो जाए। और हम लोग इस दुर्घटना के लिए मध्याह्न भोजन के समय और छुट्टी के समय अपने शिक्षक के साथ रोड पार कराने के लिए भी अलर्ट रहते हैं, सावधान रहते हैं, बच्चों को पार करवाते भी हैं, टोला सेवक भी रहते हैं उसके लिए मौजूद, और चाहते हैं कि विद्यालय में चार दीवारी हो जाए। हम लोगों ने इसके लिए प्रयास भी किया है। इससे पहले मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई थी उसी समय इंजीनियर साहब भी आए थे और ज़मीन का माप भी लिए थे। डीओ साहब के भी यहाँ रिपोर्ट हम लोगों ने किया, लेकिन अभी तक चार दीवारी बनने की ओर कोई प्रयास नहीं है। क्या परेशानी आप लोगों को है? सर, हमारे स्कूल में चार दीवारी की परेशानी है, क्योंकि यहाँ पे चार दीवार नहीं होने के कारण कभी भी छोटे बच्चे रोड पे चले जाते हैं और हमारे शिक्षक ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि हमारे स्कूल में शिक्षक की कमी है। अच्छा, कारण से हमारे स्कूल में चार दीवारी की जरूरत है। अच्छा, क्या होता है समस्या? खेलते के समय जब होता है तो बच्चे कभी कभी डगर पर चले जाते हैं, विशेष दुर्घटना हो जाती है। और जब छुट्टी होती है तो एकाएक सभी बच्चे भागने लगते हैं, इस कारण से। अच्छा, और ये जो बीच रोड पे कहीं लगा लग जाए, एक्सीडेंट ना हो, इसलिए हमारे लिए चार दीवारी की जरूरत है। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं उस पर कॉल करके आप भी हमारी इस कार्य में मदद कर सकते हैं। मैं रंजीत, समस्तीपुर बिहार से, इंडिया नाहट के लिए।